नमस्कार, मैं रोहित जम्वाल, उपायुक्त बिलासपुर। जो कल 17 मई 2021 से कुछ नई बंदिशें प्रभाव में लाई जा रही हैं व कुछ रिलैक्सेशंस भी जो हैं दी जा रही हैं, उनके बारे में ही आपको अवगत करवाना चाहता हूं। जैसा कि आपको विदित ही है कि पूरा प्रदेश जो है कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है उससे जूझ रहा है और बिलासपुर भी इससे अछूता नहीं है। इस वक्त लगभग हमारे पास 3000 के करीब एक्टिव कोरोना पेशेंट्स हैं और संक्रमण की दर जो है उसको रोकने के लिए ये बहुत ही जरूरी था कि एक थोड़ी रिस्ट्रिक्शन जो है इम्पोज करी जाए। इसी कड़ी में 6 मई को जो है कोरोना कर्फ्यू के ऑर्डर जो हैं हमारी ओर से जारी हुए थे और इनका प्रभाव 17 मई को सुबह 6 बजे तक था, परंतु अब जो है इसको पुनः कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर इसकी मियाद जो है 26 मई तक सुबह 6 बजे तक जो है कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ और भी चेंजेस करी गई हैं कोरोना कर्फ्यू में। सबसे पहले तो इसमें मुख्यतः जो है जो विवाह समारोह हैं उनमें पहले की भांति ही 20 लोगों की अनुमति होगी, परंतु अब कोई भी विवाह समारोह जो है किसी बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल या टेंट लगा के नहीं किया जा सकेगा। वो घर की चार दीवारी के अंदर ही जो है विवाह समारोह संपन्न करना पड़ेगा। साथ ही कोई भी धाम या बाहर से कोई भी कैटरिंग अरेंजमेंट उसकी भी अनुमति नहीं होगी, किसी डीजे इत्यादि की अनुमति भी नहीं होगी। दूसरा जो इसमें मेजर जो है चेंज किया गया है, 9 तारीख के आदेशों में सभी प्रकार की हार्डवेयर शॉप्स पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था खुलने पर, परंतु अब पुनः 17 तारीख की सुबह 6 बजे से जो है इस पे प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो जितनी भी हार्डवेयर शॉप्स जो हैं, सीमेंट, रेता, बजरी, सरिया, अन्य जो हैं आयरन उत्पाद जो हैं, टाइल्स से जुड़े हुए उत्पाद, वुडन जो हैं फिक्चर्स वगैरह, इन सभी पेंट्स, सैनिटरी आइटम्स, पीवीसी पाइप्स, इन सबसे जुड़े जो दुकानें हैं वो जो हैं अब 8 से 11 बजे सुबह 8 से 11 बजे तक जो है सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार को और हर जो है शुक्रवार को जो है खुली रहेगी। इसका मेन उद्देश्य है ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जुड़ी जितने भी लेबर है उन्हें कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हों, चाहे लोकल लेवल पे पंचायतों में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हों, उन पे कोई विपरीत असर ना पड़े इसलिए ये छूट दी जा रही है। पर अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह ये छूट भी सप्ताह में सिर्फ, जैसे मैंने बताया, 2 दिन ही होगी, हर ट्यूजडे और फ्राइडे को, और वो भी सुबह 3 घंटे ही 8 से 11 बजे तक में दुकानें खुली। इसके अलावा जो है रेत, बजरी और भी जो मिनरल, कंस्ट्रक्शन मिनरल होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है छूट दी गई है। अब ये सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है किया जा सकेगा और इससे जुड़ी जो भी गाड़ियां हैं, इससे जुड़े लोग हैं, वो जो है कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि क्रशर जो हैं वो भी ऑपरेट कर सकते हैं इस दौरान और उनसे भी जो है सामग्री ली जा सकती है, पर ये बहुत जरूरी है कि ऐसे सोर्स को ही जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउ की जाएगी जिनको माइनिंग डिपार्टमेंट से विधिवत रूप से उन्होंने परमिशन ले रखी हो, एम फॉर्म उनके पास जो है अवेलेबल हो। इसके अतिरिक्त जो है लार्ज स्केल मूवमेंट जो है लेबरर्स की, उस पे प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा। जो हमारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं
उनमें वहीं पे प्रोजेक्ट साइट पे ही लेबर अवेलेबल रहती है, पास ही में रहती है, तो वो वहीं पे उसी प्रकार कार्य करती रहेगी। परंतु अन्य जगह जहाँ पंचायत के कई कार्य हैं या लोगों के अपने निजी कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं, वहां पे लेबर जो है अगर कुछ दूरी तक पैदल जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती है तो वो ऑन फुट करने की अनुमति रहेगी, प्रोवाइडेड कि पंचायत एरिया में प्रधान जो है उसकी लिखित अनुमति दें और शहरी क्षेत्रों में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे जो है म्युनिसिपल काउंसिल के हैं वो जो है उनसे विधिवत रूप से अनुमति ली गई हो। इसके अलावा कई लोगों से ये भी जो है शिकायत आ रही थी कि जिनके पास अपने पेट्स हैं डॉग्स इत्यादि, तो उनको जो है कर्फ्यू के दौरान, कोरोना कर्फ्यू के दौरान उनको बाहर ले जाने में जो है दिक्कत आ रही थी, तो अब सभी जो पेट ओनर्स हैं वो अपने पेट को मॉर्निंग 6 से 7 बजे तक या शाम को 5 से 6 बजे तक जो है उन्हें बाहर ले जा सकते हैं। और यहाँ पर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक पेट के साथ एक उसके ओनर को ही जो है घूमने की इस दौरान छूट रहेगी। इसके साथ ही हमारे जितने भी रेड क्रॉस से जुड़े वॉलेंटियर्स हैं, क्योंकि वो भी कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ जो है कोविड महामारी की रोकथाम के लिए अपना अहम सहयोग दे रही हैं, और इस कारण उनको जो है थोड़ा अपनी निजी गाड़ियों में भी ट्रेवल करना पड़ता है और कई बार जो है काम के सिलसिले में जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनके पास भी जो है उनको जाना पड़ता है विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने के लिए। तो वो ऐसे सभी हमारे रेड क्रॉस से जुड़े हुए जो वॉलेंटियर्स हैं उनको भी जो सेक्रेटरी रेड क्रॉस से पूर्व अनुमति लेने के पश्चात जो है कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो है अपनी निजी गाड़ी में या ऑन फुट जो है जाने की अनुमति जो है रहेगी। मैं पुनः जो है कहना चाहूंगा हमें जो है बहुत अच्छा सहयोग बिलासपुर की जो है समस्त जनता से मिल रहा है, कृपया हमें ऐसे ही प्रशासन को सहयोग प्रदान करते रहें और आप लोगों के सहयोग के कारण हम जल्द ही इस कोरोना की दूसरी वेव जो है इसको भी सफलतापूर्वक इससे निपटने में जो है सक्षम रहेंगे। इसी के अनुरोध के साथ में आपसे धन्यवाद जी।